इतने ना हमारा माशाल्लाह वापस से शुरू हो चुका है और आज इतनी ठंड नहीं हो रही क्योंकि आज अभी रात हो रही है। सो अब आज हमारा इस होटल में जो है वो इस क्वेटा में लास्ट डे है। सो इस क्वेटा को बाय बाय कहने का तो दिल चाह रहा है। मैं कह रही हूँ कि एक महीने तो यहाँ पर रुकना ही चाहिए। सो लेकिन फिर भी नहीं रुकेंगे, जाना है, स्कूल भी खुल रहे हैं सो वहाँ जाएंगे, तो इसलिए भी हम लोग का पैकअप हो रहा है। सो अभी हम लोग की सूटकेस वगैरह नीचे जाएंगे, गाड़ी में रखेंगे डिग्गी में, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। मैंने कल का ही सूट पहना है क्योंकि आए हम लोग और सुबह आए और हम लोग को बहुत हम लोग को तो नींद नहीं आती थी क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी में ही अपनी नींद पूरी कर ली थी। नींद पूरी करके बाद हम लोग आए होटल में रहे बैठे और हम लोग खेलते रहे बातें करते रहे, ऐसे ही होते रहे, ऐसे टाइम पास हमने टाइम पास कर लिया। तो इसी वजह से सो अभी भी सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं ये लोग बच्चे। सो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या हो रहा है। तो ये हीरोइन आ चुकी हैं, हीरोइन डांस करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाई कहते भाई, और मुझसे काम करवाते हैं। चलो खैर, अब ये लोग जो है वो खेल रहे थे, अभी खुद भाग रहे थे। जब मैंने व्लॉगिंग ओपन की ना तो ये सब ना भाग रहे। देखा हमने सर, देखा तो सो अभी बहुत मतलब अभी इतनी ठंडी हो रही क्योंकि रात हो रही है और हम लोग सुबह आए थे, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा खेला कूदा, तो फिर उसके बाद हम लोग ने इंजॉय किया अपना होटल में। सो ये हमारा लास्ट डे है, तो लास्ट डे को इंजॉय करना तो बनता था, तो इसलिए हम लोग ने लास्ट डे को इंजॉय किया। तो पूरा समेटना पड़ेगा ना क्योंकि यहाँ पे हमारा लास्ट डे। सो लास्ट डे, गुड बाय क्वेटा, हम लोग चलते हैं। भाई ये कराची के बच्चे हैं, इन्होंने बहुत तंग किया, इतना प्यारा सा होटल है लेकिन पठान कहते हैं अल्लाह। सही है, हमारी बड़ी हीरोइन है। तो ये आई हैं आज, ये कल गई थी फिर आज आ गई वापस क्योंकि हमने बुलाया था। हाँ कल गई थी और आज वापस आई क्योंकि हमने बुलाया था। इनके साथ बड़ा मज़ा आता है, मस्ती करती हैं, बड़ा डुबके लुबके लगाती हैं। सो अभी आप लोगों ने देखा कैसे बात करनी है, पंजाबी हैं और पंजाबी तो होते ही बहुत फनी है। सो अभी मेरा हाथ भी बड़ा दुख गया है वॉलिंग करके, तो इसलिए अभी मैं जो होगा आप लोग वो दिखाऊंगी। ये देखें यार, ये बच्चियाँ क्या कर रही हैं यार, नहीं गिरेगी यार। हम लोग होटल आए हैं कुछ खाना खाने क्योंकि हम लोगों ने रात का कुछ भी नहीं खाया हुआ और खाने को बहुत भूख लग रही है, इसलिए कुछ खाना है आए हैं। मैं आप लोग को होटल दिखा दूँ कि कैसा है। मेन्यू भी आ गया मेरे साथ बैठा और भी है बहुत सारे भाई। अरे हटो, बहुत सारे हमारा जो है अभी आया थोड़ा सा, ये है मलाई कोफ्ता जो यम्मी है बहुत, इसके साथ दो अलग अलग चटनी आई हैं। सब यहाँ पे हमारी आती है कढ़ाई, ये बड़ी मस्त है, और इसके साथ आई है रोटी, और अभी हमारे जिंगर आने बाकी हैं। हमारा जिंगर जो है वो आ चुका है, जिंगर में फ्राइज भी दी हुई हैं, इसके साथ थोड़ी सैलेड भी दिया हुआ इसका, एंड देन जिंगर है रेंट का भी यहाँ पर है। सब यहाँ पे खाना चल रहा है, सब खा के मैं आप लोगों से वापस मिलती हूँ। गाइस अभी जब हम लोगों ने फ्रेश कर लिया है खाना, वो देख सकते हैं पूरा, और मैंने हम लोगों ने पैक भी कर रहा है क्योंकि खाया नहीं जा रहा था, पेट पूरा भर गया था। जिंगर करवाया है, रोटियाँ करवाई हैं और कढ़ाई करवाई है और ये सब, और अभी हम लोग गाड़ी में बैठेंगे। सो गाड़ी में जा रहे हैं बस, अभी बस जल्दी से निकलेंगे यहाँ से, गाड़ी में पहुँचेंगे, गाड़ी सीधा घर, शायद किसी इन आंटी के घर भी जाएंगे चाय पीने।
तो ये आंटी जो है ये आंटी है ना इन्हीं के घर हम लोग चाय सिप सिप करने जाएंगे अमन सब ये आंटी के घर जाएंगे भाई हम लोग का खाना फ्रेश हो चुका है बहुत ज़बरदस्त मलाई बोटी मुझे सबसे अच्छी लगी जिंगर से भी अच्छी लगी मलाई बोटी बहुत सॉफ्ट थी बोटी सबसे अच्छी थी क्योंकि मतलब सब अच्छा था माशाल्लाह लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मलाई बोटी अच्छी लगी क्योंकि मलाई बोटी सॉफ्ट थी और उसकी जो चटनी थी वो भी बहुत और खाना भी बड़े मस्त मज़ा आया मुझे खा के खाना कैसा था बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा था मम्मा सो अभी जो है ना यहाँ पे बैठे रहे जल्दी से निकलेंगे फिर आंटी के घर पे चाय पियेंगे चाय पीने के बाद उनसे निकलेंगे घर से निकलेंगे फिर घर मतलब यहाँ मतलब इनके घर से निकलेंगे फिर उसके बाद हम अपने घर ही पहुँचेंगे और सुबह के अभी रात हो रही है रात हो रात को मतलब खाना नहीं खाया था ना तो हमने कहा कि रेस्ट कर लेते थोड़ा सा उसके बाद खाना खाएंगे हम लोग उसी के बाद खाना खाने अगर खाना तो मैंने फ्रेश कर लिया एंड देन बहुत मज़े करता अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक करें शेयर भी करें करें क्योंकि हमारे साथ आगे वीडियोज़ मिले एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल प्लीज़ कर दें अगर नहीं किया सो लाइक भी कर दिया एक ये वाली अब मैंने एक वो उससे पीछे दिख रहा है बंदे बैठे हुए वो वाली ओके हमने तीन सीट्स ली थी और अभी ना थोड़ी सी थकान हो रही है बना रही हूँ और आंटी पूछ रही क्या कर रही है छोटी वीडियो बना रही है वीडियो बना रही है आंटी 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 चिकन फ्राई हमारी बनाई जो भी आप ही हैं आप ही हैं हमारी बढ़िया आप कंफर्टेबल होके बैठ चुकी हूँ यहाँ पे स्टैंड है तो इसलिए मतलब ना हाँ बस यार बस बाहर निकले अब जो है मैं व्लॉग खत्म करने बैठी हूँ खाना हम लोगों ने खा लिया था और बहुत मज़े का था ऐसे तो सो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाय